मौका में चौका। मणिपुर में गए थे ना, ये होना चाहिए था आपके साथ में। क्या बात है, हम लोग इसको नदी में कुदाएंगे, इसके बाद हम एक आइलैंड में पहुंचेंगे। अलग सी इन्होंने प्लेट दी है भाई। लोग कुकिंग करने वाले हैं भाई, बैम्बू के अंदर बैम्बू लेके जा रहे हैं यहाँ से। मैं हूँ, मोनू हूँ। हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं। एक बार कहीं घुसा दी ना, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सब बड़े गंदे रास्ते हैं यार। आपका ही है। बहुत भारी यार, मुझे अभी बैम्बू में ही बनेंगे। हमारा चिकन बन चुका है। रूपम भाई ने होतो में जो है जल। तो भाई भाई जी लोगों ने ना अपनी कोई साउथ इंडियन डिश बनाई हुई है, ऊपर से इसमें चीनी डाली जा रही है भाई। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे। सज्जी के बोलते हैं, सज्जी के, सज्जी के, सज्जी के, सज्जी के, और उसके साथ अच्छा रहता है खाने के लिए। ओके, तो भाई साहब खा के देखते हैं कैसा बना है। कहाँ है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा लगता है यहाँ पे तो। किधर है, किधर है, दिखाओ। अरे वाह, एक्चुअली तो ये सिर्फ लड़की लोगों को। किसके लिए बनाया ये? किसके लिए बनाया? अपने लिए, अपने लिए। पीछे में शेर है और शेर है दुर्गा माँ का वाहन। कोई कोई पिट्टी से भी वार करता है ना, उसको ईश्वर बचाएगा ना, तो इसलिए आगे में तो मैं हूँ, मोनू हूँ। पिट्टी से भी वार करने वाला है तो उसके लिए शेर बना के रखा हूँ, दुर्गा माँ का वाहन। और यहाँ पे भी है स्नैक, स्नैक प्लस पॉइंट सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर का मीनिंग सन का मतलब पूरा रे ना, कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। फ्लावर मतलब कोमल, कोमल को देख के हड़पने आना मत, क्योंकि साफ है यहाँ। ओके गाइस, अभी हमारे रिजॉर्ट में ना, मतलब हमारे रिजॉर्ट हो गया दो दिन से यहाँ पे ना, तो अपने अपने ही मिला है। आपका ही, आपका ही है। तो मोनू भाई मिलने के लिए। मोनू भाई थैंक यू सो मच, कैसे हैं? कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट टाइम मिले आपसे, बहुत अच्छा लगा मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। आपको दिल्ली में लोग बहुत प्यार करते हैं। दिल्ली में? अरे दिल्ली में तो मैं पहले दिल दे के आया हूँ, अभी मेरा दिल आजादी वहीं में है। जाएंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। इनका बाल बहुत लंबा है। हाँ, सब कुछ लंबा है। चलो एक एक करके सब कुछ दिखाओ। और भाई ये तो अभी तो रात बाकी बात बाकी में होता है ना। है कि नहीं? रात बाकी बात बाकी दिन दहाड़े तो क्या यार। ओके हाँ, ओ भाई यार। मौका में चौका। डेफिनेटली डेफिनेटली, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। तो आज चलो हमारे साथ में, आज हम लोग सारे लोग चल रहे हैं नहीं कैंपिंग के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे आप लोग के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के पास, आप लोग के साथ रह के और आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करने के भी बहुत दिल कर रहा है। लेकिन सिचुएशन देख के ना, कल को मेरा प्रोग्राम है एंड आज मुझे पैर को थोड़ा बहुत मोच आए हैं, तो एक बाबा से खिंचवा रहा हूँ। आई होप जल्दी ठीक हो जाए। सिर्फ पैर खींच रहा है, अलग वाला नहीं खींच रहा है भाई। तो ये खींचने का बाद ठीक हो जाए, मैं कल को धमाकेदार परफॉर्मेंस दे के आऊँ। खिदमत में अगर होगा तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बनाएंगे, फंसाएंगे सुनर सुनर लेकिन लोगों को फंसाएंगे। सो की गाइस, हम लोग निकल रहे हैं, अपना सारा सामान वगैरह लपेट लिया भाई, मैंने अपना टेंट भी खोल लिया है। तो आज हम सब लोग एक ग्रुप कैंपिंग करने वाले कैंपिंग। और यहाँ रूपम भाई भी आ गए। रूपम भाई कह रहा हूँ, दुर्लभ भाई। और यहाँ दुर्लभ भाई भी आ गए। दुर्लभ भाई कैसे? एकदम बढ़िया बढ़िया। तुम यार बिल्कुल वैसा डिसेंट कॉर्पोरेट वाली वो है तुम्हारी पर्सनैलिटी। सो के गाइस, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ रिजॉर्ट से। बाकी भाई जी बैठ गए पम्पम भाई के साथ में और दुर्लभ भाई के साथ में, दो लोग चले गए। बाकी मैं अपनी बाइक ले आ रहा हूँ, भाई अपनी बाइक ले जा रहे हैं। और अभी हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले रुपम का घर। मुझे लगा सबसे पहले आपके घर जा रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा घर। चलो भाई के घर चल रहे हैं, पानी वानी पी के फिर निकलेंगे रुपम भाई के घर की तरफ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं भाई के घर पे। ऐसा कुछ दिखता भाई के घर। और ये भाई के पिताजी हैं, कल आपने मिले थे। और ये आंटी जी हैं। आंटी जी नमस्कार। अंकल जी तो फोन भेजिए। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, आशीर्वाद। अच्छा से जाइए। हाँ जी, अच्छा जी। आप लोग ये चलो अभी हमारे साथ में आज मजे करते हैं। बिजी है इसलिए जा नहीं पाया। आप लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। पूजा? अच्छा अच्छा, पूजा। और हम लोग सुबह तो वहाँ जा रहे हैं कि आगे? आप कल सुबह जाएगा क्या? कौन सी पूजा थी आज? बुद्धिस्ट का हम लोग। अच्छा, खोटिन सी पूरा रात भर मतलब वीविंग करके, वीविंग करता है, वीविंग करके कपड़ा बनाते हैं। 21 दिन को बुलाते हैं, लीडर लोग को बुलाते हैं, पब्लिक को बुलाते हैं, वो पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मॉन्ग लोग नहीं पहनते क्या? हां, रेड कलर का।
पूरे इलाके में मतलब रोड ही नहीं बनी हुई है भाई, पूरी गांव में ऐसी रोड है। इंडियन नहीं हिंदुस्तान। कैसे हैं भाई? आई एम गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ जाइए, वेलकम। सो के भाई लोग, हम लोग रूपम भाई के घर में पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब इनकी लोकेलिटी, मतलब पूरा खाली खाली है भाई, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, जंगल में घर बना रखा भाई ने। और भाई साहब वो देखो, बिल्कुल वो ट्रैवल वाला ही घर है भाई का भी। हेलो भाई, कैसे हैं? I'm good. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम है, बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। ये क्या चीज है? ये मुझे गिफ्ट में मिला है, दिस इज अ ट्रेडिशनल लॉकेट कम चाकू। तो ये यूज भी करते हो? यस, यूज करेगा तो भाई साहब हैवी है, काफी हैवी है। आप मणिपुर में गए थे ना, ये होना चाहिए था आपके साथ में। ये मणिपुर में ये काम नहीं करता ना, उनके पास एक ही 47 रहता है। नहीं, कभी 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 कुल्हारी जो काम नहीं करता है वो सुई कर देता है वो। ये बात हमने तो लगा मोनू भाई गए वापस, मोनू भाई इधर आ गए। आप लोग का दिल, आप लोग का प्यार ने मुझे इतना खिसा, मैं फिर से आ गया यहाँ में। चलो बढ़िया, GoPro GoPro कौन। तो भाई अब हम लोग अभी यहाँ पे बैठे थोड़ी देर, और वो लोग भी आ गए। क्या बात है बिनाय भाई, नहीं गलत हुआ है ऐसा फकरे, ऐसा कैसा यस, एंड वैक्यूम क्रिएट करो यहाँ में, देन जोर से विद प्रेशर। आई कमिंग, रेंडी 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 रेंडी। So guys, रूपम भाई ने यहाँ पे हमारे लिए स्नेल वगैरह बना के रखे हुए हैं। बाकी ये नदी से निकाल के लाती हूँ। नदी से मैं कल ही पकड़ा, मेरा ब्लॉग कल पकड़ने वाला ब्लॉग, आज पका के खिलाने वाला ब्लॉग। अरे क्या टेस्टी हो रहे, बहुत स्पाइसी बनाए आपने। हाँ, ऐसे ही खाते हैं। जब आप स्नेल खाओगे ना, जब तक आपके होठों में जो है जलन महसूस ना हो, तो उसका मजा ही नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, आपने ट्राई किया? हाँ मैंने ट्राई किया। विनय, रूपम भाई ने हमको ना लंच के लिए इनवाइट किया था, तो अभी सारे लोग हम लंच करने के लिए बैठ गए। एक्चुअली 3:30 हो चुके हैं यहाँ पे, तो डिनर का टाइम हो गया। नॉर्थ ईस्ट में मतलब इस साइड में लोग 4 बजे तो अपना डिनर करते हैं, और उस टाइम पे हम अभी लंच कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम लोग यहाँ पे आने में। बाकी इस तरीके से ना सारे लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और दूसरा भाई, यहाँ पे ना कुछ अलग सी इन्होंने प्लेट दी है भाई, बैम्बू की ये प्लेट है। ऐसा मैंने उधर देखा था अरुणाचल में, जब हम लोग आए थे ना ओलो ट्राइब के, यहाँ पे जब लाजू में गए थे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी ही प्लेटें हमें दी थी। बाकी खाना लग गया। ये है भाई पानी कुम्भरा, इसको बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा है ये। ठीक है, ये पानी कुम्भरा, ये पानी कुम्भरा है, लाइव बताएं। पानी कुम्भरा कौन सा है? पानी कुम्भरा ये उसको खाने से बहुत पानी निकलता है। ठीक है, पानी निकलता है। कुम्भरा खाओ दिल्ली वाला भैया। हाँ भाई खा रहे हैं पानी कुम्भरा, सभी लोग खा रहे हैं। अभी हमें भी देखना पड़ेगा, मतलब बैठो बैठो सिक्को, बैठो बैठो, आप लोग नहीं खाएगा भैया? हम लोग पूरा पेट भरा हुआ है, अभी और खाने से पेट फट जाएगा। अरे साग मुड़ी बात तेज सामने गया, तब तो हम लोग खाओ 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 मंडल खा। ओ सॉरी, स्नेल ट्राई नहीं कर रहा है। खाने मंडल खा लिया टाइम, चिकन अच्छा है, एकदम होमली फील लेना, जो भी पसंद आए लेना। कैसा लग रहा है? अरुणाचल का खाना मस्त है। खिलाओ खिलाओ ये लोग को। हाँ, लेकिन ये लोग खाए नहीं, और भी ला दो वही ठीक से दबाना, यहाँ से मोटा होके देना। ये चिकन ले लीजिए प्लीज, चिकन ले लीजिए।
कोई बटन नहीं है, दूर में है, आप लोग सेल्फ सर्विस कर लीजिए। फॉर टुडे आई एम वेटर, वेटर मोनो बिकम वेटर, मोनो पैसा कर रहा है। और यहाँ पे मेरा जो हेल्प किया है मुझे पूरा सुबह से हेल्प कर रहा है चिको, बेसी बेसी खाबी न्यू वेटर फ्रॉम आवर सर। यार मैं जगह नहीं है, तुम लोग तो वहां देखा की जगह नहीं, बस 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 मिलेगा आप लोग को, थोड़ा थोड़ा दौड़ा 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 हां बस करो खाना पीना हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं भाई, काफी लेट हो चुके हैं। वैसे हमारा प्लान था कि ना 12-1 बजे तक हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो ना एक आइलैंड है और उसमें ना नदी क्रॉस करके उसमें जाना पड़ेगा, और अपना प्लान था कि अपन लोग ट्रैक्टर से जाएंगे। और अभी यहाँ पे 4 बज चुके, आधे घंटे में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और कुछ नहीं दिखेगा भाई। चलो जल्दी जल्दी यार, ट्रैक्टर तैयार है। हाँ। अब कितना टाइम लगेगा हमें आइलैंड पहुँचने में? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंटिन्यू किया तो 20 मिनट पकड़ लो। चलो ठीक है, चलो भाई बाकी हम लोग बाइक वगैरह लेके चल रहे हैं। और ये था भाई रूपम भाई का घर, और ये रूपम भाई की सिस्टर है। हेलो, कैसे हैं आप? है। और आप भी यूट्यूबर हैं? जी। आपके चैनल का नाम? रितु दीदी ब्लॉग्स। रितु दीदी ब्लॉग्स, अच्छा नाम ही दीदी डाल दिया आपने, क्या बात है। दीदी बुलाते हैं मुझे। ठीक है, और ये इनकी बेटी। हेलो, हाय, आपका नाम क्या है? मंजीता। मंजीता, मंजीता ब्लॉग्स। बाय बाय। और ये रूपम भाई की मम्मी। नमस्ते माता जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद लंच के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। अच्छा, ओके, ठीक है। पम्पम पम्पम, ये सही बात नहीं है भाई। यहीं खड़ी करनी है, यहाँ खड़ा करना है। ओके गाइस, हम लोग पम्पम भाई के मामा जी के घर पे आ गए हैं, और यहाँ पे हमने अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर दी, और यहाँ से हमारी सवारी चेंज हो जाएगी। हम लोग आज ये लेके जाने वाले हैं भाई, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, और इसमें बड़ा एडवेंचर करेंगे। ये क्या भाई? ये भी पम्पम है क्या? ये पम्पम, ठीक है भाई। और भाई ये गाड़ी लेके हम लोग इसको नदी में कुदाएंगे और नदी क्रॉस करेंगे भाई इसी गाड़ी से, उसके बाद हम एक आइलैंड में पहुंचेंगे। या अभी तक मेरे को इतना ही पता है, बाकी हमने ऐसा ये ले लिया है इनका हथियार भाई सब, ये जंगल में लकड़ी वगैरह काटने के लिए दाव कहते हैं ना, तो ये वो सब काटने का काम आएगा, तो एक दो हम ये भी लेके जा रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है ऐसे गांव जा रहे होगे, तो इतना सारा सामान लिया है फुल फुल साथ साथ में, ठीक है। ब्रेडशीट पे सब, ब्रेडशीट आपके इधर? ओके ओके ओके, और भी है सामान तो भाई सब, चेयर वेयर सब जा रही है, हमारा सारा सामान हमने पीछे ट्रॉली में डाल दिया है, ठीक है। भाई साहब कहाँ हम लोग 2 बजे जाने वाले थे, और ये 4:30 बज चुके हैं, पूरा अंधेरा हो गया। अभी तो ये थोड़ा बहुत उजाला भी नहीं, बिल्कुल गायब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। और आज हम लोग कुकिंग करने वाले हैं भाई बैम्बू के अंदर, तो थोड़ा बहुत हम बैम्बू लेके जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे काफी बैम्बू पड़ा हुआ है। ओके गाइस, हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं, और सारे लोग भाई साहब इस तरीके से जा रहे हैं। इधर भाई साहब बैठे हुए, एक भाई इधर है, बाकी भाई ये हम ना एक साथ अपने ट्यूब भी लेके जा रहे हैं, कल ब्रह्मपुत्र रिवर में इसको डालेंगे और इसमें तैरेंगे बैठ के आराम से। बढ़िया गाइस, हम लोग ना अपना कुकिंग वगैरह हम लोग वहीं पे करने वाले हैं, ठीक है, बैम्बू के अंदर बनाएंगे। तो अभी एक राशन की दुकान रुकी है, राशन की दुकान आई है, तो वहाँ पे रुक के थोड़ा सा राशन वगैरह ले रहे हैं भाई। भाई साहब अभी तक तो हम लोग रोड पे चल रहे थे ना, अब हम लोग घुसेंगे नदी में। लाइट जला, लाइट। सारे लोग ना ऐसे बैठे हुए जैसे गांव जाते ना बैठ के, उस तरह से। स्वदेश, भाई कसम से बड़े गंदे रास्ते हैं यार भाई, पूरा मतलब ऐसे नहीं तो पहाड़ी पत्थर से होते हैं,
वो पीछे हुए हैं, उन पे चलते हुए आ रहे हैं। और अभी लगभग हमने दो नदी क्रॉस कर दी है और अभी हम बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही जाके कैंपिंग करने वाले हैं। ये हाँ, ये एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र है। हाँ। तो सारे ब्रांचेस मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र बने। फिर से एक नाला क्रॉस कर रहे हैं। हाँ। फिर से नाले में आ गए क्या? हाँ अभी जस्ट यही में यहाँ पे नाले में हम लोग कैंपिंग करेंगे। नाले में कैंपिंग करेंगे? हाँ हाँ, मतलब किनारे पे। किनारे में ना भाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मच्छर बहुत लगेंगे। मच्छर आग वग जला लेंगे। पानी आ गया? ओ भाई, ये तो पूरा नदी है यार। अच्छा, हाँ यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ने भी आ रखे हैं रात में। भाई अभी तक तो ना मैं पीछे बैठा हुआ था ट्रॉली में ना, अब मैं बिल्कुल इंजन में आ गया हूँ और 6 बज चुके हैं। और अभी रास्ते देखो भाई, कुछ ऐसे रास्ते हैं, इन रास्तों से हम लोग जा रहे हैं भाई नदी की तरफ में। तो भाई बाकी सारे लोग तो भाई ट्रॉली में ट्रैक्टर में पीछे बैठे हुए हैं। दो भाई लोग हैं वो आगे के जा रहे हैं ट्रैक्टर के, और वो कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। कहीं पे कैंपिंग के लिए जगह मिले तो वहीं की तरफ को ट्रैक्टर फिर हम घुमाएंगे, क्योंकि देख रहे हो भाई रास्ते ऐसे हैं, एक बार कहीं घुसा दी ना फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी है, पूरा इंजन तक पानी आ गया, पूरा टायर आगे के देख रहे हो, पूरे आगे के टायर पानी में घुस गए हैं। ओ भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई, कुछ नहीं पता लग रहा। 6 बज चुके हैं और कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं। एक जगह मिली तो अब यहाँ पे जाके भाई लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे रुक सकते नहीं रुक सकते। ओके फाइनली हमने इंजन गाड़ी बंद कर दी है तो हम यहीं रुक रहे हैं। ठीक है, सो ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपनी आज की कैंपिंग लोकेशन में। यहाँ पे हमारा सारा सामान रखा हुआ और हम भाई अकेले नहीं है, कितने सारे लोग हैं भाई, हम लोग कम से कम 12 से 13 लोग हैं भाई। ठीक है, 10 लोग हैं, अभी 2 और आ रहे हैं ना, हाँ तो 12 हो जाएंगे। बाकी ये सारा हमारा सामान है भाई, इतना सारा। आज हमारी ग्रुप कैंपिंग होने वाली है कमाल की, ठीक है। और ये बैम्बू जो हम लेके आए थे ना, इसी में हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे। वैसे यहाँ के हिसाब से ना, यहाँ के हिसाब से सोने का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, लेकिन 6 बजे अब हमारा आज की रात स्टार्ट होगी। बाकी फुल मस्ती करने वाले हैं भाई आज। भाई हम ना ये भी लेके आए हैं भाई, इसमें आराम से भाई रात में नदी में डालेंगे इसको और भाई इसमें तैरेंगे। बढ़िया, जिसको तैरना नहीं आता ना उसके लिए बढ़िया चीज़ है ये, मतलब मेरे लिए। सो गाइस वैसे हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो एक काम करते हैं ना, लकड़ी वकड़ी ऐसे ढूंढने के लिए निकले हुए तो लकड़ी मिली एक, ये लकड़ी लेके चलेंगे। तो कुछ लोग लकड़ी लेके आएंगे, कुछ लोग मच्छी मारेंगे, कुछ लोग खाना बनाएंगे, इस तरीके से हम 12-13 लोग हैं जो वो आज कैंपिंग करेंगे। धार नहीं है इसमें लग रहा है, धार नहीं है ना, ये हो जाएगा। शिशु किसका शिशु है? भाई साहब हम लोग तो ट्रैक्टर में आए थे और ऐसे रास्ते तो आपको देखे होंगे आपने, और ये भाई लोग भाई दोनों मर गया। मर गया? ये क्या लाया है? ठीक है, नहीं मरा है, मर गया हो, अभी मरा, अभी मरा है, अभी जस्ट मरा पानी वाले का भाई साहब। वैसे तो मरना ही है, मैं अभी जस्ट मरा। हां कोई बात नहीं, वैसे मारने बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। थोड़ा सा लेट हो गया ना हम लोग। दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुके हैं रूपम भैया एंड श्री ब्रो लोगों के पास। भाई बहुत लगे थे, बहुत तकलीफ झेला रहे और मुझे अभी पता चला कि यहां से बाइक मतलब बहुत ही मुश्किल पार होना, लेकिन मैंने पार कर दिया। हां इसलिए कहते हैं हिम्मत इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो गाइस हम लोग ना लकड़ी लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे ना काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कटी हुई रखी हुई हैं,
तो वो लकड़ियां उठा के ले जाएंगे। ये देखो, अरे बाप रे, अरे ये तो ऐसा गोल गोल काट के रखा हुआ भाई, ये छाल छूल भी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये बढ़िया होता है यार जलाने के लिए। ओ भाई, सब अपने अपने हिस्से की लकड़ी ले गए। मैं ये उठा के ले आया कहीं से, ऐसा रोलर है, इसे धक्का मार मार के हल्का होगी इसको मेरी को। ओह चलो लेके जाते हैं इसको आगे तक। सो गाइस, भैया लोग ये मच्छी लेके आए हैं, थोड़ी सी मिली है। सो भाई कुछ लकड़ियां मिली तो हैं, बाकी और लेके आनी पड़ेंगे। अब इतना यहाँ पे लकड़ी मिली हमें, अब ये चेक कर रहे हैं सारे लोग ये पाइन की पाइन ट्री है कि नहीं है, क्योंकि पाइन ट्री ज्यादा जल्दी जलता है क्या। ओके तो वही उसको, ओके तो उसमें नहीं है। ओके तो सारे लोग उसको ना एक बार चेक कर रहे हैं कि ये पाइन ट्री है कि नहीं है, क्योंकि पाइन ट्री में ना ऑयल होता है कुछ, तो उसकी स्मेल होती है, उसकी वजह से वो तेल की वजह से जल्दी जलता है। तो ये पाइन ट्री नहीं है, पाइन ट्री होता तो भाई बहुत इजी हो जाता। स्मेल आ रहा है, खुशबू तो है भाई। जिस ट्रैक्टर में हम लोग आए थे ना, वो ट्रैक्टर वापस चला गया, अब कल ये मॉर्निंग में आएंगे हमको लेने के लिए। बाकी यहाँ पे नेटवर्क वेटवर्क सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नदी भी थोड़ा सा दूर ही है, ऐसा भी नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, फोन फोन एक काम करो, फोन मेरे को दो, मैं ऐसे आंख में करके फेंकता हूँ। वो तो कर सकते हैं, बट वो जो है पूरा टोटली बंद रहता है ज्यादा। हां स्पून वाला मतलब ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। अभी तो कॉल आते रहेगा घर पे, कहां पे हो क्या है, स्विच ऑफ कर दो। ऐसा वीडियो बनाने से मैं तो करना पड़ेगा स्विच ऑफ, एयरप्लेन मोड कर दो। हां ये तो करूंगा। सिम तोड़ दो साली। नहीं सिम नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओगरो भाई ये क्या बड़ी सी लकड़ी मिली है, बहुत भारी यार, मुझे लग रहा था हल्की सी होगी, मैंने उठा ली, बहुत भारी, कंधे टूट गए। चल लेके जाते हैं इसको आगे। गाइस भाई लोगों ने ना चिकन वगैरह बना लिया है, मतलब चिकन को पहले इसको फ्राई किया था क्या इसको? हाँ अच्छा, भूना था थोड़ा सा इसको ना, आग में भूना था, जलाया था पहले, आग में जलाया, उसके बाद ये बैम्बू में भर लिया इस तरीके से, और ऊपर ये घास लगा दिए, कोई पत्ता लगा दिया। ये इनका कोई ट्रेडिशनल पत्ता है, इसी तरीके से बनता है। अभी बैम्बू में ही बनेंगे ये चिकन, और हम राइस भी बनाएंगे, राइस भी हमारा बैम्बू में ही बनने वाला है। वैसे मैंने बैम्बू में ना बहुत कुछ खाया, लेकिन चिकन नहीं खाया भाई, इतने दिनों से मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आज पहली बार शायद चिकन खाएंगे। बाकी मैंने सब कुछ खा लिया यहाँ पे, बैम्बू में बहुत कुछ आइटम बना के खाए। चिकन भी ट्राई करके देखिए। और ये हमारा स्मार्टी रणबीर कपूर। और हमने सुना कि भाई का नाम दुर्लभ भाई। मैं बता के ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम देसी बारबेक्यू बना रहे हो, वही बन रहा है क्या? बात है भाई साहब, ये बैम्बू से ना भाई लोगों ने बारबेक्यू बना दिया, अब इस पे चिकन को हम फ्राई करेंगे, फ्राई करेंगे क्या बोलेंगे, रोस्ट करेंगे। फिक्र तुझे क्यों, आंख से दरिया बहता है।
ओके गाइस, हमारा ना खाना वगैरह बन चुका है, ठीक है। बाकी कई लोगों को चिकन देखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं वैसे नहीं दिखा रहा हूँ। चावल नहीं बनाया, बनेगा चावल, बनेगा चावल की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो मतलब बाकी हम जब रूपम भाई के घर में गए थे, रूपम भाई ने बड़ी खातिरदारी कर दी थी, तो पेट फुल है, पहले से पेट फुल है मेरा, मेरा तो पेट फुल है, मेरे को तो जरूरत नहीं खाने की। चावल चाहिए, चावल चाहिए। ओके तो कोई बात नहीं, फिर मतलब बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी भाई हम ना ऐसा स्पीकर वगैरह भी लेके आ रखे, तो भाई लोग, भाई ये सारे लोग बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं यार। ये भाई भी बढ़िया गाना गा रहा है, और वैसे पम्पम भाई की आवाज भी अच्छी है, मेरे को एक गाना पम्पम भाई से भी सुनना है। बाकी रूपम भाई भी बहुत बढ़िया सिंगर है, बाकी हो सकता है हम में से और कोई भी और सिंगर हो, बाकी सब एक एक बार ट्राई करेंगे। हाँ मैं भी ट्राई करेगा, मैं तो बहुत ताली बजाता हूँ। चलो भाई, अब एक ना भाई एक अरुणाचली सॉन्ग सुनाएंगे, तो बाकी बढ़िया से को गाना सुनाओ, ताकि ताकि आपका अरुणाचल के लोगों को आप पे प्राउड हो कि हाँ भाई हमारा लड़का इतना बढ़िया गाना सुनाया। हाँ चलो, डांस करो ना इधर, उनको कह रहा हूँ। पहली नजर का कैसा है जादू, लगता है मुझे तुम एक हो गया, Change on the street, change on the street.
ये गाने का नाम है डाला, का नाम है डाला उंडा, मतलब कुछ है क्या, कुछ है क्या लौंडो वाली लैंग्वेज झुकेगा नहीं साला, बोलना एक बार ओके गाइस, हमारा चिकन बन चुका है और हमारा बैम्बू की हालत देखो भाई साहब, बैम्बू पूरा जल के चिकन में मिक्स हो चुके हैं, कुछ ओवर कुक हो चुका है भाई, ये रहा ये फेल हो गया चिकन, ये फेल कुकिंग है लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं भाई, लौंडो की कुकिंग ऐसी होती है भाई, लौंडे चाहे उत्तराखंड के हो चाहे दिल्ली के हो चाहे हो अरुणाचल के कर्नाटका भी ऐसे ही हो जाता है, ये भाई खाओ भाई खाओ, अभी ये उपाय नहीं खाना तो पड़ेगा उपाय नहीं नारायण में मैंने यही सीखा उपाय नहीं, हम लोग का चिकन पूरा फेल हो क्योंकि गाइस मैं अपने टेंट के अंदर आ चुका हूँ, सारे भाई लोग अपने अपने टेंट के अंदर सो गए हैं, बहुत मजा आया यार, काफी एडवेंचरस और काफी अच्छी नाइट थी, ब्लॉग में अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर जाना, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग के साथ में, और कल का दिन भाई बहुत एडवेंचरस होने वाला है, कल हम एक्चुअल जिस आइलैंड पे जाने के लिए निकले थे ना उस आइलैंड पे जाएंगे जिसको पंपकिन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है तो वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके भी हम खुद से कुक करेंगे, रुकेंगे या आएंगे वो तो कल के वाले ब्लॉग में आपको पता लगेगा, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पीछे वाले व्लॉग्स भी देख लो अगर नहीं देखे हुए हैं तो, बहुत मस्त मस्त व्लॉग मैं एक्चुअली बना चुका हूँ, बाय बाय।